हाय, आज हम देखेंगे ग्रैन्यूलेशन टेक्निक के बारे में। मैं इसके बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में बोलने वाला हूँ। एक्चुअली ग्रैन्यूलेशन हम किसके लिए यूज़ करते हैं और उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ ग्रैन्यूलेशन टेक्निक्स, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ग्रैन्यूलेशन का मतलब क्या है? ग्रैन्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रैन्यूल? ग्रैन्यूल का मतलब है, एज पर द डेफिनेशन, ग्रैन्यूल का मतलब है इट इज़ ए एग्रीगेशन ऑफ, सोचो कि आपके पास ऐसे पार्टिकल्स हैं, ओके, ये छोटे पाउडर्स हैं, पाउडर पार्टिकल्स हैं। अब इन पाउडर पार्टिकल को, जो भी ऐसे छोटे पाउडर पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इन पाउडर पार्टिकल्स के बीच में एक कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स क्रिएट करवा के उनको एग्रीगेट करवाना एंड उनका साइज बढ़ाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रैन्यूलेशन। तो एग्रीगेट होने के बाद ऐसे कुछ दिखेंगे पाउडर पार्टिकल्स, ये हो गया एक ग्रैन्यूल, ये हो गया एक ग्रैन्यूल और ये हो गया एक ग्रैन्यूल। सो व्हाट डू मीन बाय ग्रैन्यूल देन? इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स विच विल इंक्रीज इट्स साइज, ओके, इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द होल पार्टिकल। सो 2 to 3 or 4 or 10 पार्टिकल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म ए ग्रैन्यूल। यह हो गया ग्रैन्यूल का मीनिंग। अब ग्रैन्यूल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्यों मुझे ग्रैन्यूलेशन करना है? क्या मैं पाउडर को डायरेक्ट ऐसे ही नहीं प्रोसेस कर सकता? व्हाट इज़ द नीड फॉर द ग्रैन्यूलेशन? 1, ये जो पाउडर है, प्लेन पाउडर, अच्छा फ्रीली फ्लो नहीं होगा, कि कंपेयर टू ग्रैन्यूल पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी बहुत कम रहता है। तो उसके फ्लो प्रॉपर्टी, 1 इज फ्लो, पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द फ्लो प्रॉपर्टी वी ट्राई टू कन्वर्ट पाउडर टू ग्रैन्यूल। 2, व्हेन दे आर फ्लोइंग, जब हॉपर से नीचे पंच तक आएंगे या जब हम टैबलेट प्रिपेयर कर रहे हैं, सोचो पाउडर ऊपर से नीचे अगर कहीं फ्लो कर रहा है, कोई कन्वेयर में अगर या कहीं पे हॉपर पे पाउडर अगर फ्लो कर रहा है, अगर मैं 2 to 3 पाउडर्स, सोचो मेरे पास एक्सीपिएंट्स है, ओके, आई हैव एक्स एक्सीपिएंट प्लस वाई एक्सीपिएंट्स प्लस जेड एक्सीपिएंट प्लस ड्रग, अज्यूम दैट आई हैव दिस मेनी टाइप्स ऑफ पाउडर्स विथ मी। Now, while filling, I mix these 3 excipients with the drug to make a formulation. While filling in a sachet or in a capsule, so while flowing, to fill that sachet or capsule, the powder need to be flow from hopper to the filling station. During filling, the flow hote samay, filling ke samay, jab wo flow hote hain, सोचो कि x का डेंसिटी है 2.1, इसका डेंसिटी है 1.8, इसका डेंसिटी है 1.3 एंड पाउडर का डेंसिटी है 1। अब क्या होगा, कौन पहले जाएगा नीचे? ऑब्वियसली जिसका डेंसिटी ज़्यादा है ये बंदा नीचे पहले जाएगा, x। तो क्या होगा, मुझे पहले इनिशियल प्रोसेस ऑफ फिलिंग में मैं सिर्फ एक्स को फिल करूंगा सैचेट में, हालांकि मुझे ये 4 भी रहना चाहिए था, लेकिन इनिशियल प्रोसेस ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ एक्स, आई विल बी फिलिंग ओनली एक्स पार्टिकल्स इनिशियली, नेक्स्ट कम्स वाई, नेक्स्ट कम्स जेड एंड द लास्ट विल बी द ड्रग। दिस थिंग आई डोंट वॉन्ट टू हैपन ड्यूरिंग फिलिंग। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन 1, 2, 3, 4 इन 4 पार्टिकल को मैं कंबाइन कर दूंगा। सोचो एक्स पार्टिकल, वाई पार्टिकल, जेड पार्टिकल एंड ड्रग पार्टिकल, दोनों को मिला के एक ग्रैन्यूल बना दूंगा। अब क्या होगा, जब मैं फिल करूंगा एग्जैक्टली कंटेंट यूनिफॉर्मिटी रहेगी। टू मेंटेन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी आई नीड टू कन्वर्ट पाउडर टू ग्रैन्यूल, ओके, एक फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, 2 कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए फिलिंग के टाइम पे मुझे पाउडर को ग्रैन्यूल में कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट है,
पाउडर के डेंसिटी भी बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली। आप ये लेस डेंस प्रोडक्ट है, ये मोर डेंस प्रोडक्ट है, सबको मिला के एक एवरेज डेंसिटी देने की कोशिश कर रहे हो। सो पाउडर की डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे आपको इन रीजंस के वजह से आपको पाउडर, यू आर गोइंग टू कन्वर्ट द पाउडर टू ग्रैनुलर। सो देर आर मेनी रीजंस वाई वी गोइंग टू कन्वर्ट पाउडर टू ग्रैनुलर, especially to increase the flow property and to maintain the content uniform. These are the two major factors where you need to consider to for the conversion of powder to granular. Next है, what are the techniques involved in granulation? अब ग्रैनुलर बनाने के लिए मुझे कौन से टेक्निक को फॉलो करना होगा? तो जनरली जब भी ग्रैनुलेशन आता है लोग ऐसे बोलते हैं ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। देखो डायरेक्ट कंप्रेशन जो है वो टैबलेट के लिए है, ओके आप टैबलेट मैन्युफैक्चर में भी यही लिखोगे वी हैव ड्राई ग्रैन्यूलेशन मेथड, सेकेंड वन वेट ग्रैन्यूलेशन and the last is direct compression. This one is for tablet. हालांकि हम dry granulation करके भी last में हम tablet बना सकते हैं या sachet में fill कर सकते हैं। आपके पास दो option है, can fill the sachet after getting the granule from the dry granulation, you can fill that granules either in the sachets or in the capsule, or you can make that granule to be punched and in the form of tablet. Next, same thing goes for the wet granulation. You can fill in the sachet directly after making the granule or in the capsule. Then you can make it tablet by punching that wet granule. The granule which is obtained by wet granulation technique. And the direct compression directly gives you tablet. In the direct compression, you are not going to get a granule where you can fill in capsule or sachet. So ये वाला जो पार्ट है सिर्फ टैबलेट के लिए, हालांकि तीन भी प्रोसीजर टैबलेट के लिए है। टैबलेट बनाने के आपको ड्राई ग्रैनुल भी बना सकते हो, वेट ग्रैनुल भी बना सकते हो, ग्रैनुलेशन टेक्निक से भी ग्रैनुल ले सकते हो, फिर उसको पंच करके टैबलेट ले सकते हो। लेकिन डायरेक्ट कंप्रेशन स्पेशली फॉर टैबलेट पार्ट। जब आपको कोई पूछा जाएगा कि ग्रैनुलेशन के बारे में कुछ बोलो, तब आपको बोलना है ड्राई और वेट ग्रैनुलेशन के बारे में। अबाउट ड्राई ग्रैनुलेशन, तो आपके पास दो मेथड है, ड्राई ग्रैनुलेशन एंड वेट ग्रैनुलेशन। ड्राई ग्रैनुलेशन कब जाओगे आप? नेम इंडिकेट्स यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट ग्रैनुल इन द ड्राई फॉर्म। सो व्हाट आर द नीड फॉर द ड्राई ग्रैनुलेशन? ड्राई ग्रैनुलेशन कब जाओगे आप? वन, इन द ड्राई ग्रैनुलेशन वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी, वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई एनी हीट फॉर द इन द प्रोसेस ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन। हेंस द ड्रग्स विच आर थर्मोलायबल, तो ड्रग्स जो थर्मोलायबल है वो हम ड्राई ग्रैनुल में यूज करेंगे। वन, व्हेन वी नीड, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स फॉर द ड्राई ग्रैनुलेशन और व्हाट इज द नीड फॉर द ड्राई ग्रैनुलेशन इज, वन इज थर्मोलायबल ड्रग, टू इफ योर ड्रग इज थर्मोलायबल देन गो फॉर ड्राई ग्रैनुलेशन, इफ द ड्रग इज हाइग्रोस्कोपिक, सॉरी नॉट हाइग्रोस्कोपिक, drug is undergoing hydrolysis. If your drug is undergoing hydrolysis, go for dry granulation. क्योंकि हम वहां पर पानी नहीं यूज करते, wet indicates we are using some solvent there. इस टाइम पे we need to go for the dry granulation. If your drug is thermolable, because we are not going to use any heat for there for the drying of the granule. Next is hydrolysis. If your drug is undergoing hydrolysis, breaking due to water, in the presence of water, then you need to go for dry granulation. Then what are the techniques for the dry granulation? We try to see what are the techniques for the dry granulation. So dry granulation ke process kya hai? Again it is divided into two. One is slugging. One process is slugging and the second process is roll compaction. Okay,
One process is by slugging, another process is by roll compaction. So what do you mean by slugging? मतलब dry granulation के लिए दो टेक्निक और हैं, एक है slugging और एक है dry granulation. Slugging का मतलब है you are going to prepare a slugs. Slug का मतलब है take a powder, उसको compress करो. Tablet के जैसे नहीं, ये जो compression machine होगी आपको देगी इतनी बड़ी टैबलेट आएगी ऐसे. ओके, थिकनेस ऑफ द टैबलेट विल बी वेरी लेस एंड इट विल बी दिस मच बिग, दैट वी कॉल इट एज स्लग्स. इट इज ऑल्सो ए टैबलेट बट इट इज इन लार्जर इन साइज एंड इट इज ईजिली ब्रेकेबल. सो आफ्टर गेटिंग द स्लग, ब्रेक दिस स्लग. ओके, ब्रेक इट, देन स्लग को ब्रेक करने पर क्या होगा, आपको ऐसे थोड़े पार्टिकल्स आएंगे ब्रेक करने पर. नेक्स्ट इसको क्या करना होगा, आपको ब्रेक करने के बाद आपको करना होगा स्क्रीनिंग. सो पास दोस ब्रोकन पार्टिकल्स थ्रू ए सीव, दैट प्रोसेस वी कॉल इट एज स्क्रीनिंग. ब्रेक करने के बाद आप स्क्रीन करोगे, स्क्रीन करने के बाद क्या करोगे, आप रिक्वायर्ड साइज यू विल टेक ए सीव with a number, sieve number, which is required for you. So take that sieve, pass these broken particles and sieve it or screen it. Then you will get whatever the product coming through that, it will be the required, it contains fines as well as required particles. Then you need to segregate the fines from the required particle size. If the particles are more than the required size, again, try to size reduce those particles and screen them. The final step is you get granule, dry granule. Okay, this is the one procedure for slugging. आपके लोग चाहिए तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, देखो वीडियो, उसमें क्या कर रहे हैं वो एस्प्रिन के टैबलेट्स सॉरी स्लग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो बंच होने के बाद देखो जो भी वो आ रहा है ना राउंड, और राउंड जो है उसको हम स्लग बोलते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस को ऐसे स्लगिंग किया जाता है. नेक्स्ट इज रोल कॉम्पैक्शन. रोल कॉम्पैक्शन मीनिंग में कुछ रोल हो रहा है. ओके, दो रोलर रहते हैं ऐसे एंड ए रोलर ऐसे ऑपोजिट टू ईच अदर ऐसे घूमते रहते हैं. यहाँ से आप पाउडर भेजोगे, जैसे ही पाउडर भेजोगे आपको एक प्री फॉर्म आएगा. ओके, एक शीट आएगा या एक रॉड के जैसे पाउडर फॉर्म होगा, इसको आप प्री ब्रेक करोगे. ओके, एक जो शीट आ रहा है उसको क्या करोगे, आप हैमर मिल लेके जैसे इस मिल से पास होगा ये ब्रेक होगा और बड़े बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट होगा. ओके, अगेन इसको आप सेंड करोगे स्क्रीनिंग प्रोसेस में. यहाँ पर एक स्क्रीन रहेगा या आपका सीव रहेगा और यहाँ पर भी एक हैमर मिल रहेगा. ओके, जैसे ये जो टुकड़े हैं प्री ब्रेक होने के बाद, एक्चुअली इसके नीचे आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्री ब्रेक होने के बाद जो भी टुकड़े आते हैं इस पर आते हैं, ये इसको फिर से ब्रेक करेगा. ब्रेक करने के बाद क्या होगा, स्क्रीन के थ्रू पास होंगे. जो भी पार्टिकल स्क्रीन से बड़ा होगा साइज में वो यहीं पर रह के साइज रिड्यूस होने तक वो ब्रेक होता ही रहेगा. जो भी पार्टिकल स्क्रीन साइज से छोटे हैं ओके, वो नीचे आएंगे. नीचे आने के बाद अगेन आप एक स्क्रीन रखोगे यहां पर, तो जो भी इससे बड़े पार्टिकल्स हैं वो फिर से ऊपर जाके फिर ऐसे रोल कॉम्पैक्शन में आएंगे जो भी बड़े हैं. नेक्स्ट जिस इससे जो पास होंगे वो पार्टिकल आप ग्रैनुल बोल के कलेक्ट करोगे. इसके नीचे भी एक स्क्रीन रहेगा, ये फाइंस के लिए रहेगा. तो आपको मेरा बोलने का मतलब है आप दो लेवल में स्क्रीन रखोगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर ब्रेक होगा ग्रैनुलेटर, इसको बोलते हैं हम ग्रैनुलेटर. यहाँ पर दो प्रोसेस है, एक पाउडर डालते ही रोलर्स के बीच से गुजर के आपको शीट आएगी, शीट को आप प्री ब्रेक करोगे
बड़े बड़े पार्टिकल्स में, फिर उसको आप ग्रैनुलेटर में भेजोगे जिसमें एक स्क्रीन रहेगा, यहाँ पर एक हामर मिल या साइज रिड्यूसिंग कुछ भी रहेगा, वो साइज रिड्यूस करेगा उसको। जैसे ही वो साइज रिड्यूस हो गए, जो भी यहाँ स्क्रीन है उससे छोटे होंगे, तब वो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद मुझे एक पर्टिकुलर साइज में ही ग्रैन्यूल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दो स्क्रीन रखूँगा, दो सीव्स रखूँगा। ये ऊपर वाला सीव जो है उसका नंबर थोड़ा बड़ा होगा, सॉरी उसका नंबर थोड़ा छोटा होगा, और नीचे वाला स्क्रीन जो है उसका नंबर थोड़ा बड़ा होगा। तो ये कितना बड़ा होगा, उसके नीचे जो भी आएंगे उसको हम फाइंस बोलते हैं। ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर अगर पार्टिकल रह जाएंगे, ये स्क्रीन से भी अगर बड़े हैं पार्टिकल, तो फिर से वो एक कन्वेयर में जाके ऊपर से आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये है प्रोसीजर फॉर ड्राई ग्रैनुलेशन, तो स्लगिंग और रोल कॉम्पैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर वेट ग्रैनुलेशन? सो वेट ग्रैनुलेशन के लिए मेरे पास दो है। फर्स्ट वन इज वेट स्क्रीनिंग, सेकेंड वन इज, ये है यूनिट प्रोसेस। सोचो आपको थोड़े ही ग्रैनुल्स बनाना है, तब आप वेट स्क्रीनिंग में जाओगे। मैं बताता हूँ ये है क्या। नेक्स्ट आप जाओगे आरएमजी है, रैपिड मिक्सिंग ग्रैनुलेटर। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस ग्रैनुल्स इन लार्ज क्वांटिटीज, देन यू नीड टू गो फॉर वी नीड टू यूज आरएमजी प्रोसेस, रैपिड मिक्सिंग ग्रैनुलर प्रोसेस। तो वेट स्क्रीनिंग में हम क्या करेंगे, पहले मिक्स करेंगे। व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर वेट स्क्रीनिंग? यू हैव पाउडर्स, टेक दोज पाउडर्स एंड मिक्स देम। ओके, मिक्स द पाउडर्स, देन एड ग्रैनुलेटिंग एजेंट। ओके, ग्रैनुलेटिंग एजेंट क्या हो सकता है, आप वाटर भी यूज कर सकते हो, वाटर के अंदर आप पीवीपी यूज कर सकते हो, पॉलीमर्स जो भी है एचपीएमसी यूज कर सकते हो। ओके, डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आप जो भी ग्रैनुलेटिंग एजेंट है वो डाल के पानी में, उस पानी को आप जो भी मिक्स किए हो पाउडर, वो पाउडर में डालोगे। तो पहले आपका पाउडर है उसको मिक्स करोगे, क्योंकि आपके जो भी एक्सीपियंट्स और ड्रग है वो यूनिफॉर्मली मिक्स होना है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, उसको उसके जो भी आपके पास पाउडर है उसके अंदर ग्रैनुलेटिंग लिक्विड डालोगे। ग्रैनुलेटिंग लिक्विड क्या होता है, ये होता है पानी या अल्कोहल या समथिंग, और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल के वेयर विद इन यू ऐड अ ग्रैनुलेटिंग सब्सटेंस, दैट इज पीवीपी और एचपीएमसी एक्सेट्रा, दैट वन इज डिजॉल्व इन दैट लिक्विड। तो ग्रैनुलेटिंग लिक्विड जैसे आप डालोगे, तो आपको पाउडर के ऊपर जैसे पानी पड़ेगा, ये क्या होगा, कब तक डालना होगा पानी, एक डव मास आएगा, इतना मास आएगा आपके पास डव मास, तब तक आप उसके ऊपर पानी डालना है डव मास। तो डव मास जैसे बनेगा, अब ये जो मास है आप ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और कम पानी भी नहीं डालना है, एक क्वांटिटी में ही, सॉरी एक क्वांटिटी में ही ग्रैनुलेटिंग एजेंट डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना है कम भी नहीं डालना है। डव मास जैसे आएगा, इस डव मास को यहाँ पर हम इस वेट डव मास को क्या करेंगे, लेके एक सीव के ऊपर, जो भी सीव साइज लेके उसके ऊपर आप पास करोगे डव मास को। ओके, आपके पास एक सीव होगा ऐसे, इसके ऊपर क्या करोगे, इस डव मास को रब करोगे लेके, तब क्या होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द अपर्चर ऑफ सीव उतने ही पार्टिकल्स आपको नीचे आएंगे। तो यू आर कन्वर्टिंग द डव मास इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, देन व्हाट यू विल डू, यू ड्राई देम, ड्राइंग प्रोसेस आएगा। नेक्स्ट आफ्टर ड्राइंग, टेक द ड्राइड ग्रैन्यूल्स एंड मिक्स एनी एक्सीपिएंट्स, लेफ्ट आउट एक्सीपिएंट्स, तो फिर मिक्सिंग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट उसको आपको चाहिए तो सैचेट में फिल कर सकते हो, कैप्सूल में फिल कर सकते हो, या टैबलेट में फिल कर सकते हो। तो ऐसे इस वेट स्क्रीनिंग नाम क्यों है, क्योंकि आप वेट डव मास को यहाँ पर स्क्रीन कर रहे हो टू प्रोड्यूस अ पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ दोज स्क्रीन, हेंस इट गॉट वेट स्क्रीनिंग। ये यूनिट ऑपरेशन, मतलब स्मॉल स्केल में अगर करना है तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर वेट स्क्रीनिंग। नेक्स्ट, रैपिड मिक्सिंग ग्रैनुलेटर, नाम इंडिकेट करता है समथिंग इज रैपिडली मिक्सिंग। यहाँ पर दो
आपको चाहे तो एक दिखाऊंगा, देखो वहां पर वीडियो देखो, यहां पर इसमें क्या होता है, दो तरह के घूमते हुए चीज है, एक जो नीचे ऐसे घूम रहा है उसको हम बोलते हैं इम्पेलर, कि इम्पेलर बोलते हैं, वो क्या करता है जैसे आप पाउडर डालोगे वो मिक्स करेगा उसको। नेक्स्ट साइड पे जो है उसको हम चॉपर बोलते हैं, तो इम्पेलर की स्पीड कम होगी, चॉपर की स्पीड ज्यादा होगी, चॉप नाम ही है चॉप, इट गोइंग टू चॉप दोस पाउडर। तो इम्पेलर क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पर मिक्स करके ग्रैनुलेटिंग एजेंट जैसे डालोगे वो डॉ क्रिएट करेगा और चॉपर उसको चॉप करता जाएगा डॉ को। कब तक चॉप करेगा, पहले स्लो स्पीड से स्टार्ट करोगे फिर उसकी स्पीड इंक्रीज करोगे, चॉपर घूमता रहेगा साइड वाइज। ओके, इम्पेलर जो भी आप पाउडर डाले उसको मिक्स करता रहेगा, डो बनाने की कोशिश करता रहेगा, डो बनेगा या नहीं लेकिन उसको मिक्स करेगा, जैसे मिक्स एंड अग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो भी बड़े हैं उसको चॉपर क्या करेगा, चॉप करेगा। तो जितना आपको स्पीड सॉरी साइज चाहिए उसके हिसाब से आप चॉपर की स्पीड को मेंटेन करोगे। तो ये लार्ज स्केल बेसिस में आप रैपिड मिक्सिंग ग्रैनुलेटर यूज़ करोगे लार्ज स्केल में। तो आरएमजी के बाद जो भी ग्रैन्यूल्स आएंगे उनको आप ड्राई करोगे एंड देन अगेन यू विल मिक्स वट एवर द रेफ्ट आउट एक्सपीरियंस आर देर, देन यू आर गोइंग टू पैकेज देम इन सैचेट्स आर कैप्सूल आर यू मे बी गोइंग टू पंच देम इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। सो दिस वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन अबाउट ग्रैनुलेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड।